Good morning, everyone. You all are welcome for today's EHV session. And the speaker for today is Mrs. Preeti Swami, who is a well-qualified counselor, MSc in Value Education, postgraduate in Yoga, and the founder of Energy Transformation Lab and Mind Gym. We welcome you, ma'am. We hope and wish to learn the lessons and imbibe the values that you share with us in today's session. Over to Preeti, ma'am. Hello, everyone. Myself, Preeti Swami, Outreach Program Coordinator of Carmel Convent School, Chandigarh, founder of Energy Transformation Lab and Mind Gym. तो मैं आप सभी के साथ आज अपने वो प्यारे से एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आई हूँ जो हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, जिस बात से हम शुरू करने वाले हैं, वो है इमोशनल वेलबींग फॉर हेल्दी लाइफ। हम सभी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, है ना? तो अगर हमें हेल्दी लाइफ को जीना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल वेलबींग पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मन दुरुस्त होता है उसका तन ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं बातों को शेयर करना चाहूंगी या फिर फोकस करवाना चाहूंगी। Although you might be knowing those things, but just to brush up with those things so that we can have a very very healthy life. मैं आपके सामने उन छोटी छोटी बातों को आपके साथ रूबरू कराना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं, और फिर से हम उसको याद करेंगे, ब्रश अप करेंगे, और फिर हमारी लाइफ बहुत बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव इमोशनल वेलबींग फॉर हेल्दी लाइफ। कौन से हैं वो इमोशनल फैक्टर्स जो हमारी इस हेल्दी लाइफ के लिए बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप सभी देखना चाहेंगे। तो पहले देखते हैं आज की ये दुनिया क्या है। तो आज के इस दुनिया के सफर को थोड़ी देर अपने मन के पर्दे पर लेके आएंगे। तो देखिए आज की दुनिया क्या है। द वर्ल्ड टुडे इज फास्ट एंड फ्यूरियस। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन हमें मिल जाए, इंटरनेट हमारा फास्ट होना चाहिए, फास्ट फूड और ऑल तो और फास्ट मोबाइल नेटवर्क, और क्या नहीं होता है हमारी जिंदगी में आजकल, सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी चल रहा है, और वो हम एक्चुअली चाहते भी हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हम उम्र हैं, चाहे वो हमसे बड़े हैं, हम सब फास्ट लाइफ जीने को जैसे अब एक अपना हुनर ही समझ बैठे हैं। इसी ही तरह से आप देखिए हमारी लाइफ जो है वो फ्यूरियस भी हो रही है। हम क्या क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, और हम वर्ल्ड में देख रहे हैं क्योस एंड कन्फ्यूजन, है ना? उसके बावजूद हम देखते हैं हमारी जिंदगी में और क्या क्या चल रहा है। एक्साइटिंग भी हम अपनी दुनिया को देखना चाहते हैं। एक्साइटमेंट के लिए हम बहुत सारे तरीके ढूंढना चाहते हैं। कभी कभी हम पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और जैसे हम मॉल में कहीं पे भी अपना एक प्रेजेंटेशन या फिर हम अपने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या नहीं करते, ताकि हमारी लाइफ में वो एक्साइटमेंट बना रहे, ताकि हमें लोग या दुनिया जाने। और वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये भी हमारे पार्ट ऑफ लिविंग का एक महत्वपूर्ण पल है और पहलू है। उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारी लाइफ में क्या चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस। यस, वी लव टू टेक चैलेंजेस। हम बहुत बहुत चैलेंजेस को लेना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ हमारी लाइफ में और क्या चीज चाहिए? डिमांड्स। हम क्या चाहते हैं कि हमें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो बिल्कुल टॉप मोस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। हम वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पे करना चाहते हैं। अपने उस मुकाम को हासिल करने में आज फास्ट और फ्यूरियस तरीके से चैलेंजेस को लेके करेजियस होकर हम आगे बढ़े जा रहे हैं। और तो और दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं, जो नेक्स्ट थिंग है, हम ये भी कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं और रखनी भी चाहिए कि बहुत बड़ा सा घर होना चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी के साथ साथ क्या होना चाहिए, सोचिए सोचिए। गाड़ी के साथ साथ बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जी पैसा बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए हमें क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ हम चाहते हैं हमारा नाम होना चाहिए, जैसे रतन टाटा जी हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं हर एक मुकाम पर, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हम उम्र है, चाहे वो हमसे बड़े हैं, सब कहीं ना कहीं वो नाम, कहीं ना कहीं नाम मान शान तो चाहते ही है।
ताकि हमें दुनिया जाने और हम अपने बात को दूसरों तक पहुंचा सके। ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं कि आज के सफर में इन सभी चीजों को पाने के साथ साथ हमारे साथ क्या हो गया है, हम कहां फंस चुके हैं, हम कहीं ना कहीं ड्रग्स में, एडिक्शन में अपनी लाइफ को उलझा हुआ पाते हैं। देखिए, महसूस कीजिए, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये चीजों ने घर कर लिया है और हम उस खुशी को, बाहरी खुशी को, जो हेल्दी लिविंग की खुशी है, उसके लिए हम कहां जाते हैं, पब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। जहां जाना बिल्कुल गलत नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन हम वो जो खुशी है वो बाहर ढूंढते हैं और हमें कुछ हद तक मिल भी जाती है। बिल्कुल सही। अभी देखिए, और तो और संबंधों में भी अगर हम देखें, अपनी हेल्दी लाइफ को देखें, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है वो एक ही के साथ क्यों स्टिक होकर रह जाए। और आज के इस सिनेरियो में हम कहां पहुंच गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप पर भी पहुंच गए हैं, और वो आज के इस सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल मैचअप होता है, सही लगता है। या सही है, वो गलत है, वो हर एक का अपना अपना पहलू हो सकता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी Something very important is missing in your life. The see to that. आपने सारा अभी तक देखा कि fast and furious, challenging, exciting, पैसा, घर, सब कुछ है, फिर भी क्या missing है? वो क्या चीज है जो हम इतना कुछ होते हुए भी कहीं खो बैठे हैं? जानना चाहेंगे? जी, मिलवाते हैं आपसे ही उन्हीं बातों को। तो देखिए, वो क्या चीज है? वो है real peace. रियल प्लेजर। हर एक जना ये चाहता है कि मुझे वो रियल पीस मिल जाए, वो रियल ब्लिस मिल जाए, वो सुकून मिल जाए, कुछ पल के लिए ही सही, वो प्योरिटी मिल जाए। प्योरिटी किस चीज की? प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन। उसके साथ साथ हमें क्या मिल जाए? वो ट्रू लव मिल जाए। आजकल आपने देखा है, हर एक, चाहे बच्चा है, वो मम्मा से कहता है, मम्मा प्लीज मुझसे जो बात बोलनी है प्यार से तो बोलो ना। मम्मा बच्चे से कहती है, बेटा तुम भी मुझसे प्यार से तो बात करो। बड़े छोटों से कहते हैं, छोटे बड़े से कहते हैं, कौन क्या चाह रहा है? सोचिए जरा, हम क्या चाह रहे हैं? वो प्यार चाह रहे हैं, जो बिल्कुल जरूरी है। उसके साथ साथ हर एक जो है वो चाह रहा है शांति, कि कुछ पल की मुझे शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए इस भागती दौड़ती जिंदगी से, कुछ पल के लिए तो मैं सोचूं कि आराम मिल जाए। और वो बिल्कुल सही है। उसी के लिए आइए एक्सप्लोर करते हैं हमारे इमोशनल सिंड्रोम्स को, देखते हैं वो आदतें जो हमारे अंदर ही अंदर है, हमारे भीतर ही भीतर है, और किस तरह से उसने हमारी जो लाइफ की जो वेलबींग है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रखा है। देखना चाहेंगे? तो आइए चलते हैं सफर में, जहां पर हम आपको ले चलते हैं, आप ही के जिंदगी के कुछ ऐसे आदतों से मिलवाते हैं जो आपके लिए इमोशंस के साथ बहुत बहुत कनेक्टेड हो चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हम आपको उन आदतों से मिलवाएंगे भी और आपको उनके सॉल्यूशंस भी देंगे। तो अगर आपके पास कॉपी और पेन है, तो यू शुड प्लीज टेक योर कॉपी एंड पेन एंड जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स, द स्मॉल स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू टू लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो ऑन। तो देखिए जी, सबसे पहला जो सिंड्रोम है उसका नाम है क्राइम सिंड्रोम। इमोशन वेलबींग में हम कभी ना कभी इस वाली आदत से भी बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं, है ना, यूज्ड टू होते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, और वो रो पड़ने का कोई हमें रोक नहीं सकता, या कोई हमें ये नहीं कह सकता कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम रोते ही रहते हो, हमें तो रोना नहीं आता। लेकिन जिनको आता है उनसे कभी पूछ के देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ दिल को इतना चुभ गया होता है कि वो रोना निकल जाता है। अब ये अगर हमारा सिंड्रोम बना रहा, बरकरार रहा, तो आप देखिए आपके उस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां उससे एसोसिएटेड हैं। अस्थमा, सोर थ्रोट, अर्थराइटिस, आई इन्फेक्शन, हियरिंग प्रॉब्लम, साइनस, ये सब हो सकते हैं हमें सिर्फ एक सिंड्रोम की वजह से, जो हम कभी ना कभी अपनी पूरी लाइफ में रोते रहते हैं। और आपको एक बात बताऊं, रोने का मतलब यही नहीं होता कि हम आंसुओं को दिखाएं तो रोना कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, उसे रोना नहीं कहते। कभी मन के कोने में चुपचाप बैठ के सिसकते रहते हैं, वो भी रोना होता है। कहीं मन के कोने में किसी से कुछ ना कह के मन ही मन अपने आप को अलग भावों में देखते रहते हैं, उसे भी रोना कहते हैं। वो भी रोना ना हो और आंखों से गिरा हुआ आंसू भी रोना ना हो, उसका सलूशन तो हम सभी चाहेंगे ना। बिल्कुल। तो देखते हैं सलूशन क्या है। तो सलूशन आपके सामने है। जब भी कभी रोना आए, चाहे आंसुओं से आए,
चाहे मन से आए, चाहे कहीं भी आप बैठे हैं उस दुविधा से आए, बस इन बातों को याद। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है Why I am crying? मैं रो क्यों रहा हूँ? तो दिल कहेगा कि भाई प्रीति, तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हें इस व्यक्ति ने दुख दिया, इस व्यक्ति की वजह से तुम्हें रोना आ रहा है, ये सिचुएशन की वजह से तुम्हें रोना आ रहा है, या तुम्हारी अपनी ही परिस्थितियों की वजह से तुम रो रही हो। बिल्कुल ठीक, मैं इन सब की वजह से रो रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कब तक? ये परिस्थितियां तो ऐसी आती रहेंगी, ये सिचुएशंस तो आती रहेंगी, और ये लोग भी आते रहेंगे, तो कब तक? तीसरा क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो परिस्थिति है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? पूछिए जरा अपने आप से, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? जी नहीं, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और चौथी बात जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी इस रोने में, मदद करेगी चुप होने में, रोने में मदद करेगी चुप होने का, और वो बात है कि यू आर एम्प्टी फॉर इनसाइड। देखिए मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, एक एग्जांपल से रिलेट करती हूँ। देखिए जब हम कभी बकेट को भरते हैं पानी से, आपने नल चलाया, पानी चलाया, तो पानी की जो धार होती है जब वो बकेट में पड़ती है तो आवाज कैसे करती है? सोचिए, तर 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 तर, like this sound, and it's keep on doing till the time it water reaches to the brim. आप देखेंगे जब तक वो पानी ऊपर तक नहीं आता तब तक क्या होता रहता है, वो आवाज चलती ही रहती है, एंड द मोमेंट द वॉटर इज फुल, द बकेट इज फुल विद वॉटर, देयर इज नो साउंड। देयर लाइज योर आंसर फॉर योर सॉल्यूशन। तो क्या करना है? अभी हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं खाली, अंदर से खाली हैं इसलिए रो रहे हैं। जिस दिन अंदर से भर जाएंगे ना, कंप्लीट हो जाएंगे, ये रोना बंद हो जाएगा। पानी तो चलता रहेगा, लोगों की सिचुएशंस, लोगों की बातें तो आती रहेंगी, लेकिन क्योंकि हम भर चुके होंगे तो हमारा इमोशनल वेलबींग काम करेगा और हम हेल्दी लाइफ को जिएंगे। सोचिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बस अपने आप को भरना है, कैसे भरना है वो आपके ऊपर है, कब भरना है वो भी आपके ऊपर है, और कब तक अपने आप को इस सिंड्रोम में रखना है वो भी आपके ऊपर है। आइए चलते हैं अपने दूसरे सिंड्रोम पे। दूसरे इमोशनल वेलबींग में जो इमोशन है वो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम। जी हाँ, हमारे पल्स आजकल, चाहे वो घर में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो स्कूल का बच्चा है, चाहे वो हम उम्र है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के पास बहुत बहुत जिम्मेवारियां हैं, और इन सारी जिम्मेवारियों की वजह से ये जो जिम्मेवारी का जो सिंड्रोम है वो हमारे पास आ गया है। अब आपको मैं बताती हूँ वो कैसे आ गया है। अगर आपकी नेक एरिया में, आपके कंधों में, शोल्डर में आपके दर्द रहता ही रहता है, तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम आपको घर कर गया है, क्योंकि ये सीधे आपके शोल्डर और अपर बैक पोर्शन में असर करेगा। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल से, शायद आपको पहले भी बताया होगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपने 1 kg ऑफ शुगर अपने सिर पे रखा है तो 1 kg रहेगा, अगर उसको हम क्वांटिटी 5 kgs कर देते हैं तो 5 kgs रहेगा, एंड इफ यू इंक्रीज द क्वांटिटी टू 10 kgs यू विल होल्ड इट ऑन योर शोल्डर्स, एंड इफ यू इंक्रीज टू 20 kgs यू विल होल्ड इट ऑन योर बैक। सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके? अब यहाँ पे जो बात आती है वो है कि छोटी छोटी जो मैंने आपको शुगर की क्वांटिटी बताई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 5 kgs तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले नहीं पा रहे हो तो आपके सिर में मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम एनीथिंग, वो दर्द चलता रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप वो उसको नहीं कंट्रोल किया तो आपके शोल्डर एरिया पे आएगा और फिर धीरे धीरे बैक एरिया पे आएगा। तो सोच लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम छोड़ भी नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी है, लेकिन करना क्या है? तो देखिए सोल्यूशन आपके सामने है। यू हैव टू यूज दिस पावर विच इज कॉल्ड एज पावर टू बैकअप। पावर टू बैकअप में करना क्या होता है? रोज रात को सोने से पहले, दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप, रोज रात को सोने से पहले आपने देखना है कि हमारे हाथ में एक इनविजिबल बैग है, मेरे हाथ में एक इनविजिबल बैग है, और सुबह से लेकर रात तक जो कुछ हुआ आप उस बैग में डालते रहिए। यू जस्ट कीप ऑन ड्रॉपिंग द थिंग्स, ओके मेरे को ये व्यक्ति आया, मेरे से ये हुआ, ये अच्छा हुआ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये अच्छा नहीं हुआ मैं इसमें डाल रहा हूँ, ऐसे आप डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। और फिर देखिए, इमेजिन कीजिए कि मैंने उसकी नॉट बांधी है और मैं उसको घर के बाहर रखे आया हूँ।
ओके, दिस इज द वे, वन वे यू कैन डू. दूसरा भी क्या कर सकते हैं, ये मैंने जो नॉट बांधी है और इसको मैंने समुद्र में फेंक दिया है मन से. डोंट गो एंड थ्रो समवेयर आउटसाइड, ओके, यू हैव टू डू इट मेंटली. ओके, सो इस तरह से जब हम ये टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें डाल देते हैं, उस बैग में, और कुछ पल के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं. एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू अगेन होल्ड दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर. So what happened, till the time you're sleeping and you get up, you have a complete clear night. आपका जो नींद है बहुत सुकून में होगी, आपकी जो पूरी की पूरी बातें हैं वो बहुत बहुत हल्की तर कर देंगी और आप बहुत लाइट महसूस करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी. और देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ताकि ये टेक्निकल चीज है कि ऑब्जर्व कीजिए कि किस टेक्निक से आपकी जो कमर का और जो गर्दन का दर्द है वो कम होता है कि नहीं होता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फिजिकली और मेंटली हटा दी है. नेक्स्ट सिंड्रोम है गिल्ट. हम सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में, किसी ना किसी के साथ, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गिल्ट आता है, और आता है तो जाता नहीं है. और ये जो गिल्ट है, आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने इसको नहीं निकाला तो बताऊं क्या होगा, आपके लंग्स पे इसका सीधा असर पड़ता है. लंग्स पे रेस्पिरेशन में आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और तो और थ्रोट भी कभी कभी चोक होने लगता है. सोच लीजिए, अगर ऐसा कुछ सिम्टम आ गया है, गिल्ट कहीं ना कहीं अंदर घर कर गया है, तो देख लीजिए सोल्यूशन, क्योंकि हेल्दी लिविंग लेनी है ना, तो आपको सोल्यूशन आपके सामने है, और उस प्रोसेस का नाम है कैथार्सिस. कैथार्सिस साइकोलॉजी का वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को, गिल्ट को किसी ना किसी तरीके से अपने से दूर करते हैं. So I'm sharing few ways, you can select any way and you can carry on with that. जैसे किसी किसी को डायरी राइटिंग की आदत होती है, बहुत अच्छी हैबिट है, अगर नहीं है और डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए प्लीज. ताकि उसमें आपने क्या किया, आपने रात को पूरा डायरी में लिख के बैठे कि मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मुझसे ये अच्छा हुआ, ये गलत हुआ. जो जो अच्छे की लिस्ट है उसके लिए थैंक यू कह देना है गॉड को, थैंक यू सो मच गॉड दैट यू हैव डन सो मच फॉर मी टुडे, थैंक यू. और जहां जहां आपसे गलती हो गई है, सॉरी मांग लेना, सॉरी गॉड आज ये गलत हो गया, आगे से नहीं करूंगा. तो ये जो होगा ना, आपका कन्फेशन हो जाएगा. आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि कन्फेशन रूम होता है, वहां पे एक फादर होते हैं और वो ऐसे मतलब हाइड करके बैठते हैं ताकि वो उनको ना देख सके, और वो जो आने वाला जो व्यक्ति है वो फादर को ना देख के बस अपना कन्फेस करके चला जाए. और वो इतना अच्छी चीज है कि वो इजिली उसमें जाके अपनी बातों को शेयर कर देते हैं. ऐसे ही अब हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डायरी लिखिए. दूसरा कैथार्सिस का, जैसे हम पावर टू पैकअप करवाया आपको अभी, वो भी कैथार्सिस का ही प्रोसेस. और तो और, आप कैथार्सिस में ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी गिल्ट को एक पेपर पे लिखिए और उसको इरेज कर दीजिए. क्योंकि माइंड आपको, मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ ही महीने पहले, राइट अराउंड 3-4 मंथ्स बैक, माइंड जिम हमने इनोवेट किया है बाय गॉड्स ग्रेस. आई एम द फाउंडर ऑफ माइंड जिम. तो माइंड जिम में हमने यही देखा कि जो माइंड है ना, इस पे काम करा जा सकता है और उसको कंट्रोल करा जा सकता है. ये घोड़े जो है ना मन के, ये भागते बहुत हैं, दौड़ते बहुत हैं, लेकिन काबू में भी आ सकते हैं, बस सीखना पड़ता है दोस्तों. तो सीख सकते हैं आप. तो उसमें यही देखा कि जब हम लिखते हैं ना, जब हम कुछ भी चीज लिखते हैं कि मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये गिल्ट हो गया, और उसको इरेज कर देते या वाइटनर लगा दो, तो माइंड ने देखा कि प्रीति ने लिखी गलती और इरेज कर दी, तो प्रीति का तो क्लियर हो गया पेज. जब प्रीति ने उस पर वाइटनर लगा दिया तो प्रीति तो भूल गई है. तो जब प्रीति भूल गई है तो माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. जस्ट डू, जस्ट टैकल योर माइंड. इट्स ऑल अबाउट टैकलिंग योर माइंड. जस्ट डू इट. ओके, नेक्स्ट इसमें आपको बताते हैं, नेक्स्ट सिंड्रोम जो है वो है फ्रस्ट्रेशन सिंड्रोम. जी हाँ दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन सिंड्रोम जो है वो भी एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपकी हिप और लोअर बैक पे बहुत बहुत असर होता है. जी हाँ, अब फ्रस्ट्रेशन तो हम सबको होती है, और वो कहीं जा भी नहीं सकती है, वो कहीं भाग भी नहीं सकती है, ये फ्रस्ट्रेशन है. तो आप देखिए, अगर आपके हिप एरिया में या फिर आपके लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में आपके कॉन्टिन्यूसली पेन होता रहता है, तो समझ लीजिए जी कहीं ना कहीं से आ गया ये सिंड्रोम. अब इसे भगाना भी हमारा ही फर्ज है. तो उसको भगाएंगे कैसे, आइए देखते हैं कैसे भगाएंगे. सो दीज आर द वेज विच यू कैन स्टार्ट यूजिंग राइट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड यू विल फील बेटर. नंबर वन इज, टेक टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस. अपने लिए जरूर टाइम निकाला करिए, कुछ पल बैठिए करिए, अपनी डायरी और पेन लेकर उसमें देखिए करिए कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो क्यों रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ. जब आपकी इनर कॉन्शियस आपको जवाब देती है ना दोस्तों, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं, आप सभी फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाते हैं. मार्क माय वर्ड्स, जस्ट सिट अलोन विद योरसेल्फ.
सेकेंड थिंग है से नो टू योर एक्सपेक्टेशंस. फ्रस्ट्रेशन का जो कारण है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस भी है. हमने टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन रख रखी है. मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं तो आज ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. टाइम वही है, सब सिचुएशन वही नहीं है, और हम फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं जब हमारे से वो चीज़ें होती नहीं है. तो प्लीज एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करिए. और जो थर्ड थिंग है वो है योर ईगो. हमारी ईगो भी फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो नहीं रहा है. मेरे घर में जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है. जैसे मैं चाहता हूँ वैसे लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है. तो फिर आपको क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है. तो प्लीज इन सब चीजों को, तीनों को याद रखिए और फ्रस्ट्रेशन सिंड्रोम से थोड़ा सा दूर रहिए. अब आते हैं अपने नेक्स्ट सिंड्रोम पे, वो है फ्लाइट सिंड्रोम. जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में पेन हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कहीं ना कहीं फ्लाइट सिंड्रोम आ गया. अब फ्लाइट सिंड्रोम को हम कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं. देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारा मन करता है हम भाग जाएं, कहां से, अपने इस घर से भाग जाएं, इस स्कूल से भाग जाएं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग जाएं, सबसे दूर भाग जाएं. अब आपने जब जब ये वर्ड भाग जाएं बोला, तो माइंड की मैं बात कर रही थी ना, जैसे माइंड जिम की मैं बात कर रही थी. माइंड जिम में ऐसे माइंड जो होता है ना, कंटिन्यूअसली अलर्ट रहता है, एक एक थॉट पे. तो आपने बोला भागना है, तो उसने क्या किया, माइंड ने पूरा बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो मेरे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में भेज दिया. जैसे ही मुझे कहा कि मुझे भागना है, तो मेरे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में वो ब्लड फ्लो होने लगा. लेकिन मैं तो भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ भागना है. तो क्या हो गया, वो जो एनर्जी जो मुझे भागने के लिए माइंड ने एक्युमुलेट कर दी है मेरे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में, आई एम नॉट यूजिंग दैट एनर्जी. एंड ड्यू टू दैट माय दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं आपके लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में, और फिर वो पेन के रूप में आपको दिखती है. सो सी योरसेल्फ, कैसे करना है इसको, क्योंकि भागना तो है ही ना, भागने का संस्कार तो हम छोड़ नहीं सकते. तो बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, गो विद द फ्लो. गो विद द फ्लो का यहाँ पे मतलब ये है, अगर आपका भागने का मन है तो प्लीज कमरे में ही 10 कदम भाग लीजिए, जस्ट डू इट. और ये स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, टीचर्स के साथ भी होता है, और सबके साथ होता है. क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और हम उन चीजों में कहते हैं हम भागना चाहते हैं. तो इस तरह से हम अगर भागना चाहते हैं सिचुएशन से, तो हमें करना क्या है, तो आपने क्या करना है, जैसे भागने का थॉट आए भाग लीजिए, 2 मिनट के लिए जाके रन कर लीजिए अपने ही कमरे में, और कहिए, जैसे बच्चे कह देते ना, मम्मा आप अगर ज्यादा मुझे कुछ कहोगे ना मैं भाग जाऊंगा घर से. तो बच्चों घर से नहीं भागना है, घर के अंदर ही भागना है. तो आपने अपनी मम्मा को बात भी बता दी और घर में अब भागने को ले भी लिया, तो आप इससे छूट जाएंगे, आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में ये पेन रहना बंद हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइट सिंड्रोम. लड़ने का तो सबको मन करता है ना, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, मन करता है कि बस मार दे, पंच कर दे, अभी पंच कर दे. अब देखिए यहाँ पे फिर आप वो नहीं करते जो मन को चाहिए. तो क्या होता है, मन कर रहा है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को मार दूं. लेकिन क्या है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है डेजिग्नेशन में बड़ा हो सकता है कि आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, तो आप तो थॉट तो लेना बंद नहीं करेंगे, मेरा मन करता है मैं इसको मार दूं, ये बहुत मेरे काम में ना बिल्कुल अड़चन ला देता है, आई वॉन्ट टू किल दैट पर्सन. अब जब जब आपने थॉट लिया, तो माइंड ने सारा बॉडी का फ्लो आपके हाथों में दे दिया, हाथों और ये आपके शोल्डर एरिया से आपके हाथों तक आ गया, फिंगर्स तक आ गया. अब आपने क्या किया कि प्रीति ने थॉट तो ले लिया, और प्रीति ने उसको किया तो है नहीं, तो मेरी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है एनर्जी की, कहाँ कहाँ पे, मेरे हैंड में, मेरे रिस्ट एरिया में और मेरे आर्म्स में. तो धीरे धीरे वहां पे पेन होना लगता है. तो करना क्या है दोस्तों, क्योंकि ये तो थॉट है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन रोकने का तरीका तो ढूंढ सकते हैं. तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो क्या कीजिए, जैसे आपको याद है बचपन में बच्चे बहुत होते हैं पिलो फाइट करते हैं, ये उसको मारा, ये उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, बड़ा मजा आता है. एक्चुअल में क्या है दोस्तों, कि ये जो पिलो फाइट होती थी ना वो बहुत सही होती थी. एक्चुअली फाइट सिंड्रोम से हम बच जाते थे, लेकिन आजकल हम इस सिंड्रोम से नहीं बच पा रहे. तो क्या कीजिए, आप पिलो लीजिए और उसमें एटलीस्ट आप उस पर फाइट कीजिए, पंच कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उस अपने फैक्टर को निकालिए और आप बहुत बहुत अच्छा फील करेंगे. इस तरह से हमने अपनी बात को भी एक्सप्रेस कर दी और फ्री भी हो गए और आप अपने सोल्यूशन पे भी आ गए. अब आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स पर जो आपके इमोशनल वेलबींग में रिस्पॉन्सिबल हैं. जानना चाहते हैं? बिल्कुल मिलवाते हैं आपसे, आपकी अपनी हैबिट से. आर हैबिट एज एन अनहैप्पी पर्सन, देखना चाहोगे कि आप अनहैप्पी है कि हैप्पी है? देखिए जी, बहुत आराम से देखिए.
तो आपके सामने मैं 7 स्लाइड्स दिखा रही हूँ. आई विल जस्ट प्रेजेंट 5-7 स्लाइड्स बिफोर यू. जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड सी. आप कहीं ना कहीं तो फंसेंगे, मुझे पता है. देखिए, सबसे पहली स्लाइड है जजिंग. अगर आप दूसरों को जज करते हैं, जजमेंट रखते हैं हर छोटी छोटी बातों का, तो जी आप अनहैप्पी हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल वेलबींग से बहुत बहुत दूर हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर हैं. तो जजमेंट एक सबसे बड़ा रीजन है. दूसरी बात है क्रिटिसाइजिंग. अगर हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते जाते हैं, हमारा काम ही है सुबह उठते ही सबको क्रिटिसाइज करना, ऐसे 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 ऐसे, समझ लीजिए आप क्या है. कंप्लेनिंग, हम बहुत चीजों का कंप्लेन करते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, समझ लीजिए आप कहाँ पे है. ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेम करना, ऑलवेज पॉइंटिंग द फिंगर टुवर्ड्स द अदर, नॉट टुवर्ड्स माय सेल्फ, नो, ऑलवेज टुवर्ड्स द अदर्स. सी योरसेल्फ, यू आर अनहैप्पी. नेक्स्ट, एंग्री. जब हम सोचते हैं गुस्सा किया, तो गुस्सा क्या है? गुस्सा जो है वो मेरा ही सेल्फ कंट्रोल जो है वो मैं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मैं अपनी बीमारी को बाहर तक जाहिर कर पाती हूँ. तो सभी बीमारी है वो जो सबको नॉर्मल लगने लगी है. नेक्स्ट है कम्पीटिंग. कम्पीट करो, मगर किसी ईर्ष्या और द्वेष से क्यों करते हो? कम्पीट करो लेकिन अपने फुल पोटेंशियल के साथ करो ना. किसी के साथ अगर हम इस तरह से कंपेयर करके कम्पीट करते हैं, तो सोच लीजिए आप अनहैप्पी हैं. कंट्रोलिंग, हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, चेक कीजिए. सुबह से शुरू हो जाता है, आप ये करो, मैं ये करता हूँ, आपने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सी द रिजल्ट इज अनहैप्पीनेस. तो इमोशनल वेलबींग में अब टाइम आ गया है सेल्फ एनालिसिस प्रैक्टिस का, अपने आप से बात करने का, एनालाइज करने का कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना. तो देखिए कैसे. तो नेक्स्ट थिंग जो है, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज, नंबर वन इज लेट गो. चीजों को लेट गो करना बहुत जरूरी है. पतंग होती है ना, उड़ती भी कितनी अच्छी लगती है, अगर नीचे गिरेगी तो पतंग का कोई वैल्यू नहीं है. ऐसे हमें भी अपने आप को बहुत बहुत लाइट रखना है. क्यों हवा के साथ हम नहीं फ्लो होते, क्यों हम अपने आप को बांध के रखते हैं? चीजों को लेट गो करना सीखिए, ये बहुत बड़ी कला है. नेक्स्ट थिंग है फॉरगिव अदर्स. जितना हम दूसरों को माफ करेंगे, उतनी ही हमें बहुत बहुत सुकून, वो ब्लिस, वो हैप्पीनेस, वो लव, वो सब कुछ हमें मिलेगा. स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस एंड यू विल फील बेटर. नेक्स्ट है एवरीथिंग इज सर्टेन टू हैपन इन द मूवी. एक मूवी है, सब कहते हैं ना कि जिंदगी एक ड्रामा है, तो ड्रामा है जी मूवी है, और मूवी में एवरीथिंग इज सर्टेन टू हैपन. उस डायरेक्टर ने लिख दिया है कि इस कैरेक्टर ने ऐसे ही करना है, तो इसकी वजह से मैं क्यों क्राइम सिंड्रोम को ले रहा हूँ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेशन को ले रहा हूँ, मैं क्यों गिल्ट को ले रहा हूँ, ये तो ड्रामा में होना ही था. लेट गो एंड फॉरगिव अदर्स. एंड द नेक्स्ट इज यू हैव टू फोकस ऑन योर रोल. बस अपने रोल पर अटेंशन देना है. डायरेक्टर ने आपको जो रोल दिया है, बस फोकस ऑन दैट रोल, नथिंग मोर देन दैट. बस फिर देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी. तो हमें इन चीजों को बहुत बहुत अच्छी तरह से देखना है, इन चारों पॉइंट्स को देखते जाना है. रोज अगर आप चेकिंग करेंगे, तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड अवे फ्रॉम ऑल द इमोशनल सेटबैक्स. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन का. इंट्रोस्पेक्शन वही सेल्फ एनालिसिस की प्रैक्टिस में अपने आप को अंदर ही अंदर देखे जा रहे हैं. एनालाइज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को देखा करो, किस तरह के मेरे थॉट्स हैं, किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, कैसे थॉट्स चल रहे हैं देखना पता चलेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फिर थॉट्स में जाते रहा करो, गो विद द फ्लो. अगर आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, गो विद द फ्लो, जाने दो, जाने दो, देखो कहां तक जाते हैं, ठीक है. तीसरी चीज जो इसमें हेल्प करेगी वो है न्यूट्रलाइज बाय एडिंग गुड ओवर बैड. आपने देख लिया कि मेरे नेगेटिव थॉट्स बहुत जा रहे हैं और उसकी वजह से मैं उस दलदल में, उस विशेष दलदल में फंसा जा रहा हूँ, बहुत नेगेटिविटी में जा रहा हूँ. तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर इमोशनल वेलबींग, जी हाँ, आपको अपने उसी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका. यू हैव टू डू दैट. ओके, द नेक्स्ट थिंग हियर इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. When you know that I can do it, I have the power to do it. Yes, everything is in my control. Not no doctor, not no other person can help me out. Only I am the one who has a solution within myself. You will feel better, and you will look for solutions within yourself rather than going out. So introspection बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है. तो जब भी कभी कुछ होता है ना, situation आती है ना, थोड़ी देर बैठिए, withdraw कीजिए अपने आप को. और उसके बाद देखिए थॉट्स कहाँ जा रहे हैं,
थॉट्स अगर जा रहे हैं तो मेरे को कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है, और फिर देखिए यस आई हैव द पावर टू कंट्रोल दिस, आई हैव द पावर टू कंट्रोल दिस एंड चेंज देम फॉरएवर, और आप हमेशा के लिए उसे चेंज कर सकते हैं। आपसे मैं यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम द फाउंडर ऑफ बाय गॉड्स ग्रेस फाउंडर ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लैब, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लैब जो बनाई थी वो इसी पर्पज से बनाई थी कि हम इस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने माइंड की जो एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, एंगर है, एंग्जाइटी है, फोबियाज है, फियर है, इनको किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, और इसीलिए इस लैब को डिजाइन किया गया ताकि हम इन पॉइंट्स पे सही उतरें, इनपे काम करें और अपनी नेगेटिविटी को, अपने इमोशंस को हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर दें। अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट उसको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प करता है आपके इमोशनल वेलबींग में। तो आप देखिए आपके थॉट्स जो आते हैं, क्योंकि उनको रोकना है ना, अभी हमने कहा थॉट्स को रोक दो तो कैसे रुकेंगे, आपको तरीके भी तो सीखने पड़ेंगे ना। तो पहले आप देखिए कि आपके जो थॉट्स आते हैं या तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते होंगे, आपकी पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे हुए हैं इंसिडेंट उससे रिलेटेड होंगे, या फिर इंफॉर्मेशन से आते होंगे, आपके पास कहीं से आपने पढ़ा, देखा, किसी से सुना, वो इंफॉर्मेशन से आते हैं, या फिर आपकी बिलीफ सिस्टम से आते हैं, और दैट क्रिएट्स योर थॉट्स। तो सोचिए आपको कहाँ वर्क करना है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ आपका नेगेटिव संस्कार आपको बदलना है तो कहाँ पे वर्क करना है आप सोचिए। तो समझ गए होंगे ना, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फिर से रिफ्रेश करना है, रीफ्रेम करना है, अपने इन्फॉर्मेशन वाले चार्ट को डिलीट करना है, न्यू फ्रेम करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को देखना है, परखना है, बिकॉज इट क्रिएट्स योर थॉट्स। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थॉट से बनती है आपकी फीलिंग्स, फीलिंग से बनते हैं आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड से बनता है आपका एक्शन, एक्शन से बनती है आपकी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी से बनती है आपकी डेस्टिनी। तो देख लीजिए आपकी डेस्टिनी आपके थॉट्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है। इसलिए इमोशनल वेलबींग में अगर आप अपनी डेस्टिनी को हेल्दी लिविंग से रिलेट कर रहे हो तो सोच लीजिए कहाँ पे काम करना है। तो इस चेन को याद रख लीजिए, लर्न कर लीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चेन को याद कर लीजिए कि किसी भी थॉट को लेके आना है, मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, थॉट्स में लेके आओ, उसको फील करो, उसको महसूस करो कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हाँ मैं अच्छा लिविंग महसूस कर रहा हूँ, हाँ मैं पीसफुल रह रहा हूँ, और फिर वो एटीट्यूड में भी लाओ, अपने एक्शंस में भी दिखाओ, अपनी पर्सनैलिटी में भी दिखाओ, और फिर वो आपकी डेस्टिनी बन ही जाएगी। तो देखिए कितना इजी सोल्यूशन आपको बता दिया कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। और इसमें बहुत हेल्प करता है ऑटो सजेशंस। जी हाँ, आप खुद के राइटर हैं, गूगल पे सर्च मत कीजिए, कहीं पर कुछ मत देखिए, जस्ट लुक विदिन योरसेल्फ, इनसाइड योरसेल्फ, सजेस्ट सम ऑटो सजेशन फॉर योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इमोशनल वेलबींग में ये सब आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, चैलेंजेस लेने हैं, एंगर मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, फियर्स को, फोबियाज को, इन सब के लिए आपको क्या जरूरी है, सोचिए सोचिए, ऑटो सजेशंस। तो ये ऑटो सजेशंस आपको हेल्प करेंगे कि हाँ आपको इस काम के लिए ये ऑटो सजेशन हेल्प करेगा। यू आर अ पीसफुल बीइंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी पीसफुल, यू आर वेरी वेरी हैप्पी बीइंग। तो ये आप जब अपने आप से अपने ऑटो सजेशन बनाते हैं ना, तो उसमें कमिटमेंट आ जाती है और आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम आपको एक प्यारे से थैंक यू नोट के साथ ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से इमोशनल वेलबींग के साथ हेल्दी रख सकते हैं। So I hope you all will be practicing this and stay connected always with these few points and these things which I have shared with you. Thank you so much for listening and watching. Thank you. Bless you all. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Now I request our director, sir, to share his thoughts. Dear parents, teachers, and डियर चिल्ड्रन, प्रीति जी ने आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट को टच किया है, और आपने देखा होगा हमारी जितनी भी ये ईएचवी वर्कशॉप अभी तक हुई है, उसमें हमने जो किया है आज प्रीति जी ने उसी को ही सम अप किया है। जो मेन चीज है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हम सजेस्ट करते हैं ये उसको
सच समझता है, ये उसकी रैशनैलिटी में नहीं पड़ता कि ये आर्टिफिशियल है या ये मैन मेड है। ये बेसिकली जो भी आप इसको सुजेस्ट करते हैं, जैसे प्रीति जी ने आपको कहा कि सुजेशंस जो हैं, जो आप अपने आप को सुजेस्ट कर रहे हैं, वो सुजेशंस आपके अंदर एक थॉट बनाती हैं, थॉट आपके एक्शन को जनरेट करता है, एक्शन आपके हैबिट्स बनाती हैं, हैबिट्स आपका करेक्टर बनाती हैं और करेक्टर आपका डेस्टिनी बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करना है हमको, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर करना है। हमको ऐसा इमेजिन करना है कि हम ये कर रहे हैं और उसको बहुत ऑनेस्टली अपने साथ करना है। अगर एक बच्चा है वो पढ़ने में पीछे है, तो उसको बार बार सेल्फ प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं एक्सेल कर सकता हूं, मेरे अंदर ये पावर है। बार बार जब वो अपने आप को शीशे के सामने रहकर बात करता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी रेंज में है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, पहला काम ही आपको अपना थॉट जनरेट करने से है। और ये थॉट जनरेट जितना आपका रियल होगा, आपका एक्शन उतना ही रियल होगा। अगर आपके अंदर दो थॉट चल रहे हैं एक साथ, एक में तो आप कह रहे हैं मुझे पढ़ना चाहिए और दूसरा थॉट भी साथ में चल रहा है कि ये मैं ड्रामा कर रहा हूं, तो फिर काम नहीं बनने वाला। काम तब बनेगा जब आप जो प्ले कर रहे हैं उस प्ले को पूरा सीरियसली कॉन्शियसली प्ले करें। आपकी लाइब्रेरी में एक बुक है जिस बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को देखिए, आप देखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इवन फिजिकल एलिमेंट भी हमारे अंदर है, मान लीजिए इवन इस तरीके की भी वो ऑटो सजेशंस की बनी हुई वीडियोज हैं, ऑटो सजेशन की बनी हुई ऑडियोज हैं, जो कैंसर तक की बीमारी को भी आपसे दूर कर सकते। सवाल इस बात का है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितना, आप उसको कैसी डाइट देते हैं, कैसी फीड देते हैं। सिचुएशन भगवान की जनरेट की हुई सिचुएशंस हैं, ये हमारे टेस्ट हैं। इन टेस्ट में हम किस तरीके से अपने आप को पास करेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। जो कल मैंने एक थॉट सुना जब मैं ये क्लासेस अटेंड कर रहा था, तो उस क्लासेस में हम जो भी क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें टीचर्स एक थॉट से उसको शुरू करते हैं, तो वो थॉट मुझे अभी बहुत ही अच्छा लगा कि कई बार हम कहते हैं भगवान तुम कहाँ हो, इतनी सब चीजें हो रही हैं, तो अगर तुम होते तो इस तरीके से ऐसे कैसे हो सकता था। तो एक बात इमेजिन कर चलें कि जब टीचर ने एग्जाम लेना होता है ना, तो टीचर चुप रहता है, बच्चा एग्जाम देता है, टीचर उस टाइम जब एग्जाम चल रहा होता है उस टाइम ये नहीं कहता कि तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये ठीक कर रहे हो, इसके तुम्हें 0 नंबर मिलेगा, इसके 5 नंबर मिलेंगे। वो सिंपली आपको एग्जाम करते हुए देखता है। तो इसीलिए आपने देखना है आपका अपना रोल क्या है। अक्सर हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम अपने रोल को छोड़कर दूसरे के रोल के ऊपर पड़ जाते हैं। कई बार तो हम जब किसी अच्छी पोजीशन में होते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं कि मैं देखूंगा ये सामने वाला मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलेगा,
और इस लड़ाई झगड़े में अपनी सारी जिंदगी की मिठास को खत्म कर लेते हैं। तो ये जो EHV की वर्कशॉप है, प्रीति जी ने जो आज आपसे शेयर किया और जो आपने कागज पेन उठाकर अगर लिखा है और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप और एलेबोरेशन चाहते हैं, तो अनुभव को कहूंगा कि वो आपको वो ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर दे। हमारा ईमेल एड्रेस जिस पे कि आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अगर हम आपके किसी भी तरीके से इस एरिया में मदद कर पाए, हम कोई बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन एक गैलरी की तरह अपना एक छोटा सा रोल प्ले करना चाहते हैं, तो यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके की असमंजस की स्थिति है, यदि आप कहीं भी फील करते हैं कि मुझे कोई सलूशन नहीं मिल रहा, आप बेफिक्र होकर प्रीति जी से अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। प्रीति जी आपकी वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। हम लोग मिलकर इस दुनिया को जितना खूबसूरत बना सकते हैं, आइए हम मिलकर इस दुनिया को उतनी खूबसूरत बनाएं। ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी से अगर पार पाना है तो नेगेटिविटी को ज्यादा फ्रोलने की बजाय अपने अंदर पॉजिटिविटी को डालें। जो मेन चीज है वो ये है, जितना हम अपने आप को प्योर करेंगे, प्योरिटी आएगी तो हमारे अंदर यूनिटी आएगी। यूनिटी मीन्स हमारा जो थॉट है, वर्ड है और डीड है, वो एक जैसी होनी शुरू होंगी। और जब हमारे अंदर यूनिटी आएगी, जब जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा और जो मैं सोचूंगा, वो तीनों चीजें एक जैसी होंगी, तो मेरे अंदर पीस आएगी। और अगर मैं पीस में होऊंगा, अगर मैं ब्लिस में होऊंगा, तो मैं भगवान के बहुत नजदीक होऊंगा, मुझे बहुत से सोल्यूशन मिलेंगे, मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा तो मुझे हर चीज का सोल्यूशन जो है वो अपने अंदर से ही मिलने लगेगा। तो मैं प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े ही कम समय में बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आपको दिए हैं। थैंक यू डायरेक्टर सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स एंड सजेशंस विद अस, एंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू प्रीति मैम फॉर शेयरिंग हर valuable time and providing us with such a valuable informations and giving us suitable solutions faced by us during this pandemic. Thank you so much.